So guys, this is a on performance whey protein. So guys, welcome back again. आप देख रहे हैं द मस्कुलैरिटी और मैं हूँ रौनक बिंद्रा. आज हम करने वाले अनबॉक्सिंग ऑफ ऑन परफॉर्मेंस वे प्रोटीन. ये थोड़ा ऑन का बजट फ्रेंडली प्रोटीन है. 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ऑफर करता है अपनी पर सर्विंग में और ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड हुआ है और बना है. सो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या ये गोल्ड स्टैंडर्ड जितना अच्छा है या नहीं. लेट्स अनबॉक्स इट. ये मुझे पड़ा है 1940 रुपीज का. मैंने इसे बाय करा था फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल से. अब मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ और बताता हूँ आपको क्या आपको इसे बाय करना चाहिए या नहीं. 1940 रुपीज का ऑन का परफॉर्मेंस वे. चलिए इसे करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कैसा है हमारा ये प्रोटीन. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. सो गाइस, दिस इज अ ऑन परफॉर्मेंस वे प्रोटीन. ये रहा हमारा नया प्रोटीन जो है ऑन का. लेट्स अनबॉक्स इट. इसकी जो MRP है वो है 2869 रुपीज़ की MRP है. और ये सब कुछ यहाँ पे इसलिए दिया हुआ बिकॉज अब ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड और हमारा पैक्ड होता है. एंड इसके अंदर 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ऑफर करते हैं हमें, 4.5 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. शुगर इसमें टोटल 1 ग्राम है और फैट 1 ग्राम है. बाकी इसका अगर हम इंग्रीडियंट्स देखें तो प्रोटीन ब्लेंड है ये, 2 का ब्लेंड है, कंसनट्रेट और आइसोलेट का. बाकी इसमें कोकोआ पाउडर, क्रीम कोकोआ और सोडियम क्लोराइड थिकनर ये सब इसमें ऐड है. चलिए अब इसमें एक इसका क्लोजर लुक देखते हैं प्रोटीन का और इसके बारे में बात करते हैं क्या ये गोल्ड स्टैंडर्ड जितना अच्छा है या नहीं. बिकॉज ये गोल्ड स्टैंडर्ड तो नहीं है, ये इनका सिल्वर स्टैंडर्ड माना जाएगा प्रोटीन, तभी यहाँ पे सिल्वर पैकेजिंग है. सो लेट्स सी इट. सो गाइज, दिस इज द क्लोजर लुक ऑफ आर ऑन परफॉर्मेंस वे प्रोटीन जो है हमारा चॉकलेट मिल्क शेक फ्लेवर. अभी मैं इसकी मिक्सेबिलिटी भी आपको दिखाऊंगा कैसी इसकी मिक्सेबिलिटी. ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है 1940 रुपीज़ का. यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ उसका बिल. देख सकते हैं आप 1939 रुपीज़ का इसका टोटल बिल है. मैं आपसे 1939 का पड़ा है मुझे, बहुत अच्छा ऑफर है मेरे हिसाब से बिकॉज ऑन इज अ वेरी गुड कंपनी. कम से कम 25 से 30 साल से ये सर्व कर रही है प्रोटीन. और यहाँ पे लिखा है सब कुछ कि वाई इट इज़ द बेस्ट प्रोटीन बिकॉज फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पोर्ट परफॉर्मेंस, एक्टिव लाइफस्टाइल. मैं आपको प्रोटीन कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए आपको वे प्रोटीन ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में. प्लस इसमें लिखा है कि जो उसका स्कूप है वो उसका साइज है 34 ग्राम्स और इसे आप 180 से 240 ml में मिक्स करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए तो ये शेक हो जाएगा. अभी हम इसकी शेक टेस्ट करते हैं. अब इसे करते हैं अनबॉक्स. पैकेजिंग भी अच्छी है, एक बजट फ्रेंडली प्रोटीन निकाले ऑन ने जो बहुत बढ़िया बात है बिकॉज इनका गोल्ड स्टैंडर्ड बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोटीन है एंड काफ़ी लोग इसे इस वाले प्रोटीन को अफोर्ड कर सकते हैं बिकॉज ये 2000 के अंडर अब पड़ जाएगा. चलिए अब इसे करते हैं अनबॉक्स. तो इसे अनबॉक्स करने के बाद ओके तो ये सील ही निकल गई. ओके तो ये रही इसकी सील. मैंने काफ़ी तो ये देख सकते हैं प्रोटीन फ्लेवर्ड बहुत अच्छा फ्लेवर, चॉकलेट का काफ़ी अच्छा फ्लेवर है. और ये रही इसकी सील, तो 2 सील हैं. अब आई डोंट नो ये इसके अंदर आई थिंक सो लगी हुई थी. अब ये मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार अनबॉक्स करा और ऐसा रहा है. बट ये तो रही सील ऑन का. ये अब इसका मैं देखता हूँ क्या हमें स्कूप मिल सकता है. सो गाइज, नाउ इट्स टाइम टू चेक द मिक्सिबिलिटी ऑफ ऑन परफॉर्मेंस वे. अभी मैं आपको यहाँ पे QR कोड स्कैन करके साइड में फोटो दिखाऊंगा क्या ये प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं. बट अभी मैं ऐसे पहले इसकी मिक्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं. तो ये है ऑन का पुराना वाला स्कूप जो गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ मिलता था हमें, जो USA में बनता था. वही मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका स्कूप मिला नहीं है. तो मैं अभी इतना सा ही यूज़ करता हूँ और फ्लेवर्ड का इसको इसकी मिक्सिबिलिटी देखते हैं कैसी है. मिक्स कर देता हूँ 180 ml एंड लेट्स सी द मिक्सिबिलिटी. तो
गाइस 15 से 20 सेकंड हो चुके हैं, नाउ लेट्स टेस्ट द मिक्सिबिलिटी। 15 से 20 सेकंड हो चुके हैं, सो ये रहा हमारा प्रोटीन, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया 15 से 20 सेकंड में, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। अब मैं इसे टेस्ट करके बताता हूँ कैसा इसका टेस्ट है। टेस्ट बहुत ही माइल्ड सा है चॉकलेट का, बहुत अच्छा फ्लेवर है, बहुत लाइट फ्लेवर है, ज़्यादा ये नहीं है कि ज़्यादा हार्ड फ्लेवर, बहुत ही लाइट सा फ्लेवर है। अच्छा फ्लेवर है और बहुत लाइट है, बिल्कुल भी ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड चॉकलेट, बिकॉज इन्होंने शुगर इस बार कम ऐड करी है। इनका चॉकलेट पीनट बटर का ज़्यादा हार्ड था, अच्छा फ्लेवर है।